देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह हमारा चक्की का आटा ये मैंने गूंदा आपके सामने, कितना मुलायम और कितना ज़बरदस्त इसमें लेस आई है ये देखें। सिर्फ 5 मिनट का ये काम है और आपका ज़बरदस्त आटा तैयार हो गया है। माशाल्लाह देखें ज़बरदस्त हमारी रोटी फूल रही है, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, माशाल्लाह देखें गंदम का आटा, चक्की का आटा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग खैर वाफिया से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़मान में रखे, हर बला से दूर रखे, हम समेत तमाम मुस्लिमों का खात्मा अल्लाह पाक ईमान पे फरमाए, आमीन सुमा आमीन। आज अल्लाह ताला की बड़ी प्यारी नेमतों में से जो मैं ज़िंदगी की सबसे अहम ज़रूरी चीज़ है वो आटा, वो लेके आई हूँ। उसको कैसे गूंदा जाए कि वो ज़बरदस्त उसकी रोटी बने, चक्की का आटा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। जो बच्चियाँ बहुत घबराती हैं कि ये आटा सही गूंदा नहीं जाता, इसकी रोटी सही नहीं बनती, इसके बहुत फ़ायदे हैं, आप इसी का इस्तेमाल करें। एक वाइट आटा होता है बिल्कुल मैदे की तरह, वो गूंदना आसान है। अब मैं आपको बताती हूँ आटा कैसे गूंदते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम आटा गूंदते हैं। हसबे ज़रूरत आप आटा लेंगे और उसके गूंदने का ये है कि पानी एकदम से आपने ज़्यादा नहीं डाला, आहिस्ता आहिस्ता पानी डालना है, और एक ना मीडियम दो ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो। 4 से 5 मिनट में आपका आटा इतना ज़बरदस्त गूंदा जाएगा कि जैसे हमारी पहले माएँ वगैरह आटा गूंदती थी, दादियाँ नानियाँ, वो घंटा घंटा लगा के गूंदती थी और उसका ज़बरदस्त वो आता था उसकी लुक। तो आज 4 से 5 मिनट में मैं आपको वही आटा बिल्कुल गूंद के दिखाऊंगी। देखें व्यूअर्स, आटे को मैंने मिक्स किया, अब हल्का सा इसको ऐसे 2 से 3 दफ़ा ऐसे करेंगे। 2 मिनट ज़्यादा ज़्यादा लगे हैं इस आटे को मुझे ऐसे डो बनाने में। अब मैंने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैंने इसको ढक्कन लगा के आधे घंटे के लिए रख देना है। आजकल सर्दी है तो बाहर रखेंगे, गर्मी है तो इसको हम रखेंगे फ्रिज में। आप कहेंगे आंटी आटा तो सेम हम भी ऐसे करते हैं, आटा थोड़ी देर 5 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं, ये आप गलत करते हैं। जब आधे घंटे के लिए आप आटे को रेस्ट देंगे ना, उसके बाद आटे का रिजल्ट देखेगा फिर हमने क्या करना है। तो मैं इंशाल्लाह आपको आधे घंटे के बाद मिलूंगी। बर्तन को साथ ही अच्छे से साफ़ कर देना, ठीक है। तो अब इसको ढक्कन लगा के हमने रखना है, अगर आपके पास ढक्कन वाला बाउल नहीं तो गीला कपड़ा लगा के आप इसको रेस्ट दे दें आधे घंटे के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें व्यूअर्स तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं। अब आटे की आप कंडीशन देखें, इसकी लुक देखें, माशाल्लाह अभी से देखें आटा, चक्की का आटा, ये ध्यान रहे आपको, ये देखें माशाल्लाह। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल हल्का सा हम इसमें डालेंगे नमक, हाथ गीला करेंगे आटे को साइड पे करके, हल्का सा नमक बिल्कुल। ये नमक क्यों डाल, लोग साथ ही आटे के डाल देते हैं जब आटा गूंदना शुरू होते हैं, आपने ऐसे नहीं करना। इस स्टेज पे आके आपने नमक डालना है, फिर आपने 2 से 3 मिनट इसको खूब ऐसे गूंदना है मक्कियों के साथ। अभी आपको नज़र आ रहा होगा, देखें जैसे मलाई की तरह माशाल्लाह आटे की लुक आ रही है। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट भी नहीं लगते और ये आटा हमारा ज़बरदस्त तैयार हो जाता है चक्की का। हल्का हल्का पानी टच करना है, बर्तन साथ साथ साफ करते जाना है, क्योंकि फिर जब बर्तन साथ साथ गंदा हो ना तो अच्छा नहीं लगता, सफाई निस्वीमान है, वैसे ख्याल किया करें। माशाल्लाह आटा गूंदने का इतना मज़ा आ रहा है ना, इतना क्रीमी इसका वो नज़र आ रही है ना शेप इसका, ये हाय सुभान अल्लाह। बस हल्का हल्का पानी आपने टच करना है, आटा ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा सख्त हो, फिर आपकी रोटी चक्की के आटे की कमाल की बनेगी। ये देखें तकरीबन 4 से 5 मिनट में आटे की लुक देखें, माशाल्लाह इतना मुलायम बलाई की तरह है ना, सुभान अल्लाह। आपने इसी तरीके को फॉलो करना है, आटे को आधा घंटा या 40 मिनट ज़रूर रेस्ट देना है, फिर आपकी रोटी कमाल की होगी, आटा सॉफ्ट होगा आपका।
अब हम इसको ढक्कन दे के रखेंगे फ्रिज में। ये आटा 2 से 3 दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कमाल की रोटी बनेगी इसकी। तो इंशाल्लाह ताला अगर ये आटे गूंदने का तरीका आपको मेरा अच्छा लगा हो तो आपने ज़रूर कमेंट्स में बताना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।